तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, यह हमारा योफाई का आगे का टॉपिक होने वाला है। तो आज हम लोग जो वीडियो के माध्यम से जो सीखने वाले हैं योफाई के बारे में, आज हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन सीखने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको यूज कैसे किया जाए, इसका यूज करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में दिया था कि योफाई बॉक्स क्या काम करता है। ये एक प्रोग्रामर है और इसके माध्यम से हम किसी भी मोबाइल फोन में आईसी का डाटा रीड कर सकते हैं या मोबाइल फोन में अनलॉकिंग कर सकते हैं। जो ऑनलाइन मोबाइल फोन उनकी भी अनलॉकिंग कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं, या आईसी को उतार करके प्रोग्राम करते हैं, या जो डेड हैंडसेट आते हैं जो किसी कारणवश सॉफ्टवेयर की वजह से या किसी भी कारण से अगर वो अपने मन से चलते चलते अगर उनका बूट डेड हो जाता है या मोबाइल फोन डेड हो जाते हैं और वो मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस बॉक्स के माध्यम से आसानी के साथ में उनको रिपेयर किया जा सकता है या उनके सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स सिखाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से सिखाया जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपकी होती है। ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका आपको सिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर और हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम ये लोग योफाई बॉक्स का यूज करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, योफाई बॉक्स जो होता है उसको आपको सिस्टम से कनेक्ट करना होता है। उसके लिए ऐसी केबल आती है, इस केबल के माध्यम से आप बॉक्स को लगा देंगे ऐसे। उसके बाद फिर आपका ये एडेप्टर आता है। ये देखिए, इस एडेप्टर के अंदर हम जो लोग आईसी होती है आईसी को निकालते हैं, उस आईसी को रिबॉल करते हैं। रिबॉल करने के बाद इस आईसी को इस एडेप्टर में लगा देते हैं ऐसे। ये देख रहे हैं आईसी, देख रहे हैं इस आईसी को एडाप्टर में ऐसे लगा देते हैं। इसके अलग अलग साइज के छेद होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे टाइप में बने होते हैं। जब बॉल रिबॉल होती है तो आसानी के साथ में उसमें बैठ जाती है। हम लोगों ने इसको लगा दिया। लगा देने के बाद ये एडाप्टर एक रीडर का काम करता है। रीडर का मतलब आईसी को रीड करता है। उसके बाद इस रीडर को हम लोग इसमें योफाई बॉक्स में ऐसे लगा देते हैं। योफाई बॉक्स में लगाने के बाद मैं इसके पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में आज पूरा आपको डिटेल से बताता हूँ कि सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा योफाई एमएमसी टूल बॉक्स। आप इसको ओपन करेंगे, जैसे ओपन करेंगे तो आपके स्क्रीन में ऐसा खुल जाएगा, आपके स्क्रीन में ऐसा खुल जाएगा। तो यहाँ पर इसके अलग अलग ऑप्शन आते हैं। पहला प्रोग्राम आता है, यूजर एरिया पार्ट आता है, फैक्ट्री इमेज आता है, सपोर्ट है। इस तरीके से अलग अलग इसके अंदर फीचर्स आते हैं। अब मैं सारे फीचर्स के बारे में आपको एक एक करके आपको समझाता हूँ और सारी डिटेल से मैं आपको जानकारी देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से दोबारा इस योफाई बॉक्स ओपन करते हैं। ओके, हमारा बॉक्स ओपन हो गया। ओपन करने के बाद फिर हम लोग इसको स्क्रीन को बड़ा करते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे सारे फीचर अपडेट करने के लिए बोलता है, हम लोग अपडेट नहीं करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट एमएमसी पे ऐसे टिक लगाना है और आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। ये आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है एमएमसी आईसी से कनेक्ट हो जाना। क्या हो जाना, एमएमसी आईसी आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करते ही आप एमएमसी आईसी से कनेक्ट हो जाते हैं। आइडेंटिफाई एमएमसी किया, इससे क्या होता है कि हमारी एमएमसी आईसी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो एमएमसी आईसी की जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारी एमएमसी की इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। जैसे इंफॉर्मेशन ओपन हो जाती है, तो इंफॉर्मेशन ओपन होने के बाद हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी निकालना है, प्रोग्राम करना है या उसको बैकअप लेना है या उसका डाटा रीड करना है, वो सारे काम हम लोग इसमें कर सकते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी आ जाती है, इसको डिटेल बोलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए वीसीसी, वीसीसी क्योंकि सप्लाई होती है हम लोग ऑटो पर सेट करके रखते हैं। और यहाँ पर एमएमसी प्रोग्रामिंग आइडेंटिफाई इस पर टिक लगा लेते हैं। इससे क्या होता है कि आप एमएमसी आईसी जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। जब एमएमसी आईसी कनेक्ट हो जाती है तो उसके अंदर सबसे पहला फीचर आता है प्रोग्राम का। इसका फीचर आता है दोस्तों प्रोग्राम का। प्रोग्राम वाले फीचर में हम लोग जो भी मोबाइल फोन आता है या डेड है तो उसकी प्रोग्रामिंग करी जाती है, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग के काम आता है। उसके बाद ये यूजर एरिया पार्ट आता है। इस यूजर एरिया पार्ट के अंदर यहाँ पर ये सारी पार्टीशन, सारा सॉफ्टवेयर, सब डिटेल आती है और इसके माध्यम से यहाँ पर हम लोग मोबाइल फोन अनलॉकिंग करते हैं
या उस मोबाइल फोन का FRP हटाते हैं या उसका MI अकाउंट रिमूव करते हैं, वो सारा काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। उसके बाद फैक्ट्री इमेज आता है। ये जो फैक्ट्री इमेज होता है, फैक्ट्री इमेज में हम जा करके मोबाइल फोन की फ्लैशिंग करते हैं। क्या करते हैं? मोबाइल फोन की फ्लैशिंग करते हैं कि MMC IC जो होती है वो MMC IC को फ्लैश कैसे किया जाता है, उसको फ्लैश करने का तरीका क्या है, फ्लैश करने का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पर करते हैं। उसके लिए आपको फ्लैशिंग में जाएंगे। फ्लैशिंग में जाने के बाद यहाँ पर वेंडर, प्लेटफॉर्म, ब्रांड ऐसे सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए आता है। क्वालिकॉम चिपसेट जो भी आप सिलेक्ट कर दीजिए, फाइल को लोड कर देंगे। जैसे ही फाइल को लोड कर देंगे तो फाइल को लोड करने के बाद आप मोबाइल फोन को फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद आप यूजर एरिया पार्ट में जाएंगे। यूजर एरिया पार्ट में आप मोबाइल फोन की अनलॉकिंग कर सकते हैं और प्रोग्राम में जा करके हम लोग MMC IC को प्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए मैं इस सब चीज के बारे में एक एक करके आपको लिख भी देता हूँ, आप जितने सारे लोग हैं सब लोग इसको नोट भी कर लेंगे। तो ये जो प्रोग्रामिंग का ऑप्शन आता है, इस प्रोग्रामिंग वाले ऑप्शन पे हम लोग क्या करते हैं, आईसी को प्रोग्राम करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आईसी को प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद ये यूजर एरिया पार्ट आता है, इस यूजर एरिया पार्ट में हम लोग मोबाइल फोन में अनलॉकिंग करते हैं, FRP हटाते हैं, MI अकाउंट हटाते हैं, जो भी सारे काम करना है वो सारे काम को हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ये हमारे अनलॉकिंग के काम आता है। उसके बाद जो फैक्ट्री इमेज आता है, ये फैक्ट्री इमेज जो आता है, ये फैक्ट्री इमेज मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने के काम आता है। किसके लिए आता है मोबाइल फोन में फ्लैशिंग? नंबर एक फ्लैशिंग के लिए, नंबर दो अनलॉकिंग के लिए, नंबर तीन आईसी को प्रोग्राम करने के लिए। तो तीन काम के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं मोस्टली, कि आप या तो मोबाइल फोन को अनलॉक कर सकते हैं, या तो मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कर सकते हैं, या मोबाइल फोन को प्रोग्राम कर सकते हैं, या उसका डाटा रिकवर। अगर डाटा रिकवर करना है तो ये जो यूजर एरिया पार्ट है यहीं पर आप लोग डाटा भी रिकवर करते हैं, डाटा रिकवर। डाटा रिकवर करने के लिए भी इसी फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको प्रोग्राम के बारे में बताया कि किस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर का क्या करेंगे, यूज करेंगे, और यूज करने के बाद आप इसके माध्यम से मोबाइल फोन को रिपेयर कर सकते हैं। ये तो मैंने MMC टूल के बारे में बताया। अब इसी तरीके से हमारा एंड्रॉयड टूल भी आता है, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, सारे टूल के बारे में यूज करना बता देता हूँ, फिर उसके माध्यम से कैसे फोन ठीक किया जाएगा मैं आपको मोबाइल फोन को रिपेयर करके भी दिखाता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। ये सारी चीजें आप अच्छे से नोट करिए। अब मैं सारे फंक्शन के बारे में एक एक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली बार प्रोग्राम पे जाएंगे। ये मोबाइल फोन में किस लिए होता है? प्रोग्रामिंग कराने के लिए। उसके बाद यूजर एरिया पार्ट आपका जो मोबाइल फोन में होता है अनलॉकिंग करने के लिए, डाटा रिकवर करने के लिए, FRP हटाने के लिए। फैक्ट्री इमेज जो होता है मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने के लिए। जैसे जैसे आप यहाँ पर देखो क्लिक कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर अगर फंक्शन में देखेंगे ऐसा है, यूजर एरिया पार्ट में जाएंगे तो फिर चेंजेस हो गया, प्रोग्राम में जाएंगे तो आपका चेंज हो गया। तो जैसे जैसे यहाँ देखो सॉफ्टवेयर का डायलॉग बॉक्स है वो बार बार चेंजेस हो रहा है, तो उस चेंजेस को आप लोग समझ भी सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग, इसका एंड्रॉयड टूल होता है वो कैसा होता है, वो कैसा आपको दिखेगा। ये देखें, ये UEFI का एंड्रॉयड टूल बॉक्स आता है। अब ये जो एंड्रॉयड टूल बॉक्स आता है, इस टूल बॉक्स के माध्यम से भी आप मोबाइल फोन में अनलॉकिंग कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग करने का इसके अंदर बेहतर ऑप्शन नहीं होता, उसके लिए आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। मान लिया कोई मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में तुमने सब कुछ कर दिया, अब उसमें तुम दोबारा फ्लैश करना है या फाइल सही से नहीं डली, दोबारा फ्लैश करना चाहते हो तो आप इसके माध्यम से आप उसको फ्लैश कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन खुल के आता है। सबसे पहली बात यहाँ पर ऑप्शन खुल के आता है फ्लैशर का। किसका ऑप्शन खुल के आता है? फ्लैश का। यहाँ से आप फ्लैश करने के लिए ऑप्शन खुल करके आते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर सर्विस खुल करके आती है। यहाँ पर जितने भी सारे मॉडल हैं उस मोबाइल फोन की सर्विस हैं। उसके बाद ADB है, सपोर्ट खुल जाता है। यहाँ पर जो फ्लैश ऑप्शन आता है, इस फ्लैश ऑप्शन में यहाँ पर जो भी मोबाइल फोन है उस मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करना चाहते हैं, फ्लैशिंग करने के लिए जो भी मॉडल है आप यहां से मॉडल आप ले सकते हैं, इतने सारे दिए हुए हैं।
उसके बाद प्लेटफॉर्म में जाएंगे। प्लेटफॉर्म का मतलब इंटेल क्वालिकॉम मीडियाटेक चिपसेट जो भी आप लेना चाहते हैं वहां पर आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जितने भी सारे मॉडल आते हैं वो सारे मॉडल का ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं। अगर आप किसी भी मोबाइल फोन में इसके माध्यम से आप अनलॉकिंग करना चाहते हैं तो अनलॉकिंग करने के लिए सबसे पहली बार आपको मोबाइल फोन को कनेक्ट कराना पड़ेगा। जैसे ही आप मोबाइल फोन को कनेक्ट कराते हो, मोबाइल फोन को कनेक्ट कराने के बाद आपको आइडेंटिफाइड डिवाइस पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आइडेंटिफाइड डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो उस मोबाइल फोन की जो भी सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन होती है वो सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके खुल जाती है। जब सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी तो आप स्पेशल टास्क में जाते हैं और यहाँ से आप मोबाइल फोन की अनलॉकिंग कर सकते हैं। वो आपके पास मोबाइल फोन क्वालकॉम का हो, वो आपके पास मोबाइल फोन मीडियाटेक का हो, वो आपके पास मोबाइल फोन स्पेक्ट्रम का हो, इंटेल का हो, फास्ट बूट में चाहे सैमसंग के मोबाइल फोन आए, काफी मोबाइल फोन आते हैं जिस मोबाइल फोन को आप इसके माध्यम से आप मोबाइल फोन को स्पेशल टास्क में जाके फोन को फॉर्मेट कर सकते हैं, FRP हटा सकते हैं या उसके अंदर जो भी सारी समस्याएं आती हैं वो कर सकते हैं। लेकिन वो किस कैसे कर सकते हैं, डाटा केबल के माध्यम से। आपको MMC IC को उतारने की जरूरत नहीं है, पूरा मोबाइल फोन लेना है, उस मोबाइल फोन को बूटिंग मोड से उस मोबाइल फोन को कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई करना है, उस सॉफ्टवेयर की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब हम लोग इसका एक एक करके आपको प्रैक्टिकल भी समझाएंगे, इसका कैसे यूज करना है और कैसे इसके माध्यम से मोबाइल फोन को रिपेयर करना है उसका तरीका है, वो भी सारा चीज सब हम आपको एक एक करके बताएंगे। आपको MMC टूल के बारे में बताएंगे, इसका एंड्रॉयड टूल आता है उसके बारे में बताएंगे, इसके अंदर ईओएस टूल आता है उसके बारे में बताएंगे, चिप प्रोग्रामिंग टूल आता है उसके बारे में बताएंगे, ऐसे करके एक एक करके जो भी सारा सॉफ्टवेयर होता है वो सारे सॉफ्टवेयर के इन्फॉर्मेशन हम आपको समझाएंगे। अच्छा, ये सारी जो वीडियो हैं मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको बना करके इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप वीडियो को अच्छे से समझ सकें। अगर एक बार में आपको इतनी सारी जानकारी आपको एक बार में दे दूंगा तो हो सकता है कि आपको सारी चीज़ बाउंस निकल जाए और आपको सारी चीज़ें समझ में भी ना आए। आप स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों के बारे में देखते रहते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है और एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर भी हो जाता है। अब मैं आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे MMC IC को बोर्ड से उतारा जाता है, बोर्ड से उतारने के बाद उसको कैसे लैपटॉप सिस्टम में लगाया जाता है, लैपटॉप सिस्टम में लगाने के बाद उसको रीड कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या होता है, वो सब चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ताकि सब चीज़ों के बारे में आप समझ सकें। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि MMC टूल का यूज कैसे करेंगे, एंड्रॉयड टूल का यूज कैसे करेंगे, उसके माध्यम से आप मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करेंगे, वो सारा तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी वीडियो मैंने आपको समझाया है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रॉपर समझ में आई होंगी, और अगर नहीं प्रॉपर में समझ में आई है तो इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार आप अच्छे से देखो ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ सके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो अगर आपको कोई नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और अगर हाँ, अगर इसी लेवल की अगर आप पूरा इस लाइन में फ्रेशर हो, जीरो हो, या बहुत साल से आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, लेकिन आप अच्छी तरीके से कंप्लीटली काम नहीं कर पाते, प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर पाते, तो आप दोस्त परेशान मत हो, आप यहाँ पर आए, एक ट्रेनिंग लीजिए। 45 दिन का यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, 45 डेज के अंदर आप पूरा कंप्लीट सीख करके जाएंगे और यहाँ पर आपको जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की मोबाइल फोन में पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग आपको मिलेगी और सभी मोबाइल फोन को बनाने का तरीका आपको सिखा करके भेजा जाएगा और बहुत आसान तरीके से आप आकर के सीख करके जा सकते हैं। अच्छा, ये ट्रेनिंग सेंटर जो पड़ता है ये कानपुर जो स्टेशन पड़ता है, कानपुर स्टेशन के पास में मार्केट पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं सागर मार्केट, ये मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर दुनिया जान के पूरे कानपुर भर के अगर मैं बात करूंगा, यहाँ से 200-150 किलोमीटर एरिया का दूर दूर का आदमी वो मोबाइल फोन रिपेयर कराने के लिए यहाँ पर मार्केट में आते हैं। और जैसे कोई भी मार्केट में छोड़ो, मोबाइल फोन तो कहीं भी ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आने का क्या पर्पज होता है, जैसे मान लिया किसी मोबाइल फोन की पावर IC नहीं मिल रही है, कोई मोबाइल फोन ऐसा उसका काम्बो नहीं मिल पा रहा है, उसको तुरंत मोबाइल फोन चाहिए, तो हर एक आदमी मार्केट से ही, सागर मार्केट से ही सामान लेकर के जाता है कानपुर के अंदर। अगर आप कानपुर के अंदर 150-150 किलोमीटर दूर से जाने वाले हैं या आप रहने वाले हैं, जैसे फतेहपुर के रहने वाले हैं, मल्लावा के रहने वाले हैं, हादोई के रहने वाले हैं, इधर आप औरैया जालौन के रहने वाले हैं, उरई से रहने वाले हैं, हमीरपुर तक के रहने वाले हैं, अगर इतने दूर दूर से जो लोग होते हैं, ये तुम्हारा कन्नौज हो गया, कालपी हो गया, इतने दूर दूर के उन्नाव के लोग हैं, फतेहपुर के लोग हैं, बिंदकी के लोग हैं, इतने दूर दूर के लोग जो रहने वाले हैं, अगर उनका मोबाइल फोन में अगर कल काम्बो खराब हो जाता है तो जब दुकान पे मोबाइल फोन देते हैं तो दुकान वाला कहता है भाई फोन छोड़ जाओ, अभी तो स्क्रीन है नहीं, एक काम करो कल मिलेगा, ये मार्केट कहाँ से आएगा, सागर मार्केट से हमको काम्बो लाना पड़ेगा। तो वो लोग क्या काम करते हैं, सागर मार्केट सीधे ही आ जाते हैं मोबाइल फोन बनवाने के लिए। तो जब सीधे मोबाइल फोन बनवाने के लिए आ जाते हैं तो हम लोगों के पास आते हैं, अच्छा हम लोग मोबाइल फोन को रिपेयर करते हैं, उन मोबाइल फोन को रिपेयर करके देते हैं, इससे हमारे बच्चों को दो फायदा मिलता है, एक तो बच्चों को सीखने को मिलता है, बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है, और किसी का मोबाइल फोन
सही हो जाता है। और हम लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने का कोई खास उनसे पैसा नहीं लेते, कोई चार्ज नहीं करते, जो भी सामान का पैसा होता है वो पैसा लेते हैं। इससे हमारे बच्चों को सीखने को मिलता है और एक बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से सभी चीज़ों को सीख करके जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, अगर चैनल से सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, कॉल करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज करें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।